भारतीय सेना का दुश्मनों को कड़ा संदेश, 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया 76 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज। बैठक के बाद किसान संगठनों का ऐलान, एमएसपी की गारंटी मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। पीएम मोदी के साथ योगी की तस्वीर पर अखिलेश का तंज, कहा बेमन से कंधे पर रखा हाथ, संग चलना पड़ता है। सोमवार को होगी किसान महापंचायत, राकेश टिकैत बोले धरना खत्म करने को तैयार, लेकिन एमएसपी पर बात करी सरकार। मिशन उत्तराखंड पर केजरीवाल, कहा हर पार्टी को मिलना चाहिए सरकार बनाने का मौका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर में कांग्रेस से सदर सीट की दावेदारी कर रहे युवा नेता नीतीश भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सारी नीतियां गलत है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो कागजी है, क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा ने जिस महंगाई को कम करने की बात कही थी वो महंगाई और बढ़ती ही जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। जो मुद्दे हैं वो जनता के ही हैं और इनमें कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जो हर बार वायदे किए जाते हैं नेताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी, और जो वर्तमान सरकारों ने जो सत्ता में आई हैं उनकी तरफ से भी, मगर वो वायदे सिर्फ एक कागजी वादे साबित होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर सिर्फ बातें हैं इनके पास में, जो कि ये पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आप देख लीजिए, महंगाई जिसको कहते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, हमारी सरकार आई तो हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कहाँ कम हुई आप मुझे बताइए, महंगाई कम हुई? पेट्रोल जिसकी बात करते थे 35 रुपये हम देंगे, डीजल जिसकी बात करते थे कि हम 25-30 रुपये तक दे देंगे, आज उसकी वो देख लीजिए कि उन्होंने, उनका कहना गलत नहीं था, उतना उन्होंने टैक्स लगा दिया उस पर। मतलब इस तरह से जो है टैक्स को बढ़ाया गया, और ये स्लैब कब से स्टार्ट हुआ आप देखिएगा, जिस तरह से कि रोज़ प्रतिदिन डेली हम, उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि डेली हम जो है इसको अप एंड डाउन करेंगे। आप ये खेल जो जनता से की पॉकेट से पैसे खींचने का जो खेल है वहां से स्टार्ट हुआ, देखेंगे कि किस तरह से आए दिन। हमीरपुर जिले के पूर्व सीडीओ अवधेश बहादुर सिंह ने हमीरपुर सपा कार्यालय पहुंचकर सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व सीडीओ अवधेश बहादुर अब सपा के राज्य कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य बनकर राजनीति में कुछ नया करने का मन बना रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और इसे देखते हुए रायबरेली जिला प्रशासन इनकी तैयारियों में जुट गया है। इसी के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तीसरा विशेष कैंप आज जिले भर में आयोजित किया गया, जिसके तहत सुबह से ही बूथों पर बीएलओ, अभिहित अधिकारी और सुपरवाइजर पहुंच गए। मतदाता सूची से मृतकों के नाम कटवाने के साथ ही नया नाम जोड़े जाने के लिए लोग दिन भर यहाँ पहुंचते रहे। नए नाम जोड़े जाने के लिए बूथों पर फॉर्म 6 व पता में बदलाव के लिए फॉर्म 8 भरने के साथ ही नई सूची में नाम शामिल हो जाएगा। इस दौरान युवाओं में अपना नाम जुड़वाने को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। हालांकि युवाओं की चुनाव आयोग से अपील है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए थोड़ा एहतियात जरूर बरता जाए। दूसरी तरफ बीएलओ का कहना है कि आमतौर पर लोगों में उत्साह कम है, जिसके लिए उन्होंने प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। मैं जो है भाग संख्या 181 का बीएलओ हूँ, मैं नगर पालिका में संग्रह अमीन पे कार्यरत हूँ। 1 नवंबर से जो है घर घर सर्वे कर रहा हूँ, और जिन लोगों का नाम 18 से 19 साल के बच्चे हैं उनका नाम जो है ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद जो व्यक्ति उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज फतेहपुर के 84 ब्लॉक के राजेपुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान चौपाल में पेंशन
आवास और राशन कार्डों से संबंधित शिकायतें मिली, जिसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गौशालाओं को जा रही पराली के 6 ट्रैक्टरों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, ग्राम राजेपुर में आज ग्राम चौपाल लगाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो जो योजनाएं राज्य सरकार की हैं उसका सत्यापन करना कि वास्तव में कार्य हुआ है, और अपने ग्रामीण भाइयों को तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी देना, क्योंकि हमारे शासन के द्वारा अनेकों योजनाएं हैं, अनेकों विभागों की बहुत योजनाएं हैं। लेकिन फतेहपुर जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छापेमारी की। फतेहपुर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की हकीकत जानने के बाद गरीब मरीजों से जानकारी ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमित चौरसिया को कोविड-19 का टीका जनता को ज्यादा से ज्यादा लगवाने के लिए आदेश दिए। जिलाधिकारी के साथ SDM खागा प्रभाकर त्रिपाठी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ मौजूद रहा। लखनऊ में आइस बेस यानी ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड में बुद्धिजीवी एम्प्लॉय समिति की ओर से एक बैकवर्ड के जन आंदोलन के तहत भूमि अधिकार सम्मेलन आगामी 22 नवंबर को राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में आयोजित किए जाने वाला है। इसी को लेकर आई बेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संगठन आइस बेस उन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है जिनकी बात देश की आजादी से आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाई। हमारे संगठन सम्यक मूल मोर्चा, आइस बेस और बैकवर्ड जन आंदोलन ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिकार सम्मेलन के माध्यम से लोगों को गोलबंद किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारी मांगे भूमिहीनों और गरीबों को 5 बीघा जमीन दिलाने की है। इसी के साथ पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर ने कहा कि जिलों में हमारे संगठन से सदस्य के रूप में लाखों भूमिहीन और गरीब जुड़े हैं। इसी के साथ जानकारी दी गई कि जल्दी हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी रूप लेगा और हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर एक JP आंदोलन चलेगा, जिसे प्रदेश ही नहीं देश पर राज करने वालों की गद्दी हिल जाएगी। मिर्जापुर के पिछड़े हलियाबाग में 2018 में कोटा घाट पर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन पुल के दोनों ओर अप्रोच का काम लगभग 2 महीने से किया जा रहा है, लेकिन अप्रोच के काम में पुल के दोनों तरफ रास्ता बंद करके आगे का काम मानक की अनदेखी करके किया जा रहा है। जो शारीरिक प्रमुख थे राजेश सिंह, उनको पुलिस वालों ने फर्जी मुकदमा लिखा करके उनको उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया। अब हम लोगों का ये कहना है कि जिलाधिकारी महोदय तुरंत इसकी जांच करके उस मुकदमे को वापस लें, नहीं तो आज के 7वें दिन हम लोग जो है हाई वे जाम करेंगे और इसके बदले लंबा आंदोलन करेंगे और इसके लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, सब तरह से हम लोग तैयार हैं। ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। जिलाधिकारी महोदय को यह बात आप संज्ञान में डालिए। बेलंग नदी का ये पुल है, 3 साल पहले 2018 में ये शुरू हुआ था, तब से अब जाके वो उधर का काम पूरा हुआ, पक्का काम पूरा हुआ है, अप्रोच का काम चल रहा है, लेकिन ये जब से चला रहे हैं तब से ये एकदम आने जाने की व्यवस्था न दे के सीधे अपना मनमाना काम कर रहे हैं, मिट्टी को पड़वा रहे हैं, सीधे पूरी मिट्टी डलवाते चले जा रहे हैं, न तो इन्होंने पानी डाला, न तो इन्होंने रोलिंग किया, और इसके नीचे 4-6 पेड़ दबा दिए हैं। अच्छा, हाँ, इस मिट्टी। प्रतापगढ़ में जिला उमर वैश्य समाज सभा की ओर से गरीब और निर्धन परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह में कुल 16 जोड़ों की शादी उमर वैश्य समाज ने कराई। समाज के गरीब तबके के माता पिता जो अपने बेटी और बेटों की शादी के लिए भटक रहे थे, उन पैसे के अभाव में बच्चों की शादियों के सपने के लिए परेशान रहते थे, ऐसे माता पिता के बच्चों की शादी के सपने को साकार किया गया। जिला उमर वैश्य समाज सभा के पदाधिकारियों ने परिवार का सपना पूरा करते हुए उन बच्चों की सामूहिक शादी करवाई, तो वहीं दूल्हा भी अपने सपनों की रानी की जयमाल डालकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई।
रामपुर के भारत गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बंधन में बंधे 225 जोड़े इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जिसमें 132 हिंदू जोड़े और 93 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। देखिए, ये मेरे देश की संस्कृति और संस्कार है, मेरे हिंदुस्तान का जो सनातनी संस्कृति और संस्कार है उसी का एक जीता जागता प्रमाण है कि आपने देखा कि हिंदू जोड़े भी मुस्लिम जोड़े भी जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना है उसके तहत जो है वो यहाँ पर लगभग जो है वो 2200 से ज़्यादा जो है वो जोड़े आज जो है वो विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। और एक तरह से हम जब कहते हैं कि मेरा देश जो है वो अनेकता में एकता का की एक मिसाल है, मेरा देश जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का। संभल के थाना असमोली क्षेत्र में नौबत सिंह नाम का एक वृद्ध की सोते समय चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पड़ोसी गांव के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर संभल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की गई तो हत्या की वजह प्रेम प्रसंग के चलते प्रकाश में आया। इस पूरे मामले पर संभल SP चक्रेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पुत्री का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी का विरोध करने पर बुजुर्ग के मौत की घाट उतार दिया गया है। फरुखाबाद में शहर कोतवाली के पांचाल घाट स्थित मां गंगा के तट पर मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष आदित्य दीक्षित ने नेतृत्व के तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। तटों के किनारे पड़ी खंडित मूर्तियों को एकत्रित कर JCP द्वारा गड्ढा खोद भू विसर्जित किया गया है। घाट पे नमामि गंगे घाट पे मेला प्रशासन द्वारा जो गंगा जी का चित्र बनवाया गया ये बहुत ही हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि इस चित्र पर एक तो चित्र को बड़ा रूप दिया गया है जो कि ऐसी जगह बनवाया गया जहां पे लोग पैर रख के खड़े होते हैं, और दूसरा उनके ही मुंह पर लोग जो है मसाला खाकर भूख रहे हैं। तो ये मैं जिला प्रशासन लोग बड़े भाई श्री आदित्य दीक्षित जी के नेतृत्व में हम लोग गंगा घाट पे आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा, हमारी टीम ने देखा कि काफ़ी कूड़े के ढेरों में जो है मूर्तियों को इकट्ठा कर रखा है लोगों लोग जो डाल जाते हैं घरों से साफ सफाई करने के बाद, वो मूर्तियाँ काफ़ी बहुत ही वैसी व्यवस्था में पड़ी हुई टूटी फूटी और पॉलीथीन में, जो गंगा जी के लिए बिल्कुल मना है कि पॉलीथीन का वहाँ पर डालना बहुत ही सख्ती से मना है। हाँ, 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे आप देखें, आप अभी देखिएगा यहाँ पे पूरा जितना भी तट है गंगा जी का स्थल है यहाँ पे पन्नी और पॉलीथीन बड़े बड़े थैलों से पटा हुआ पड़ा हुआ है। अब खबर चंदौली से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाज पार्टी हर वर्ग के मतदाताओं को अपनी तरफ करने में जुट गई है। इस क्रम में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा के दुल्हीपुर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। समझ रही है कि किसान बिल वापसी कब हुई है, मतलब क्या क्या सबको बेवकूफ़ समझते हैं मोदी जी? अब अहंकार, इतना अहंकार कि किसान पिछले 11 महीनों से बैठा है और रिकॉर्ड 700 किसान बेचारा शहीद हो गया, 700, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। अब इनको लगा कि ज़मीन खिसक रही है तो इन्होंने ना चाहते हुए बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया है कि हम बिल वापसी करते हैं, थूक के चाटा इन्होंने। और याद रखिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आप जो है सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप वोट के लिए कर रहे हो और आपने कोई वादे नहीं पूरे किए हैं, जितने वादे किए हैं सब पे झूठ है। तो मुझे लगता है कि इस बिल वापस हो जाए बहुत अच्छी बात है, बधाई देना चाहता हूँ किसानों को कि तुम्हारा आंदोलन रंग लाया। ललितपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के सामान सहित एक बाइक बरामद की है। बता दें कि 21 सितंबर को शातिर चोर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तेराई फाटक के पास खड़ी एक बाइक से एक बैग चोरी कर लिया था, जिसमें करीब 2 किलो चांदी, एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। फिलहाल
फिलहाल पुलिस शातिर चोर के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। देखिए, दो माह पहले तेरही फाटक के अंतर्गत जो है एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो 800 ग्राम चांदी का सामान गया था, जिसमें जो पता चला उसमें 3 अभियुक्त हैं, उसमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई जिसका सुमित यादव नाम, और उसके कब्जे से जो उसको हिस्से में बंटवारे मिला था वो लगभग 0.5 किलो चांदी है, जिसमें 11 जोड़ी पायल का है और 61 जोड़ी बिछुआ का है जो बरामद हुआ है, और एक मोबाइल फ़ोन भी जो वहाँ से गया था उसमें से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी का। झांसी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जब शादी से वापस आ रहे ट्रैक्टर को बबीना पाइप पास के रेलवे क्रॉसिंग के पास पीछे से बालू से लदे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आगरा में अवैध खनन माफियाओं में कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है, बेखौफ होकर जंगलों से अवैध खनन कर रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद के भरापुर जंगल का है, जहां पर गश्त के दौरान खनन माफियाओं को रोकने पर वनकर्मी पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। रात को भरापुर जंगल में पहुंची तो वहाँ पर प्रताप सिंह वनरक्षक एवं पवन कुमार यादव वनरक्षक दोनों अपने क्षेत्र में मैं सरकारी गाड़ी के गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि वन ब्लॉक के अंतर्गत वन भूमि से ही बालू का बली मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मौके पर 3 ट्रैक्टर, जिसमें एक ट्रैक्टर को उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया था। उसी प्रयास में विजेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह, छोटा पुत्र अमर सिंह और उनके अन्य भाईगढ़ सब लोग वहाँ मौके पर पूरे परिवार सहित औरतें काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के इनका घेराव किया, इसमें इन पर हमला किया, मारपीट शुरू कर दी और ट्रैक्टर को छुड़ा के भागा लिया। मारपीट होने के बाद हमने तहरीर संबंधित थाने में कोतवाली में दी है और विवाही कार्रवाई की जा रही है और मेडिकल के संबंध मारपीट हुई है। प्रताप सिंह रायबरेली के मेलेरिया सुल्तानपुर रोड के चुंगी चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रक के सामने से आ रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसने आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। आगरा में एक साइकिल सवार युवक को महानगर बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि घायल युवक घटनास्थल पर लगभग 30 मिनट तक तड़पता रहा, जिसकी सूचना देने के बाद भी मौके पर ना तो कोई एम्बुलेंस पहुंची ना ही पुलिस, जिसके बाद युवक को तड़पता देखकर ग्रामीणों ने उसे अस्पताल ले जाने लगे और जहाँ अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। खबर आगरा से है, जहां बस ने साइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जहां साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तमाम लोगों की मशक्कत के बाद भी ना मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और ना ही कोई पुलिसकर्मी पहुंचा, जिसके चलते ग्राम युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है, जहां साइकिल सवार युवक की मौके पर ही एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही देखने के लिए मिली है, जहां समय रहते एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी न पहुंचने की वजह से आज एक युवक ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खबर आगरा से है, जहां बस ने साइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी, साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।
संभल विधानसभा के ग्राम मोहदीनपुर शाहबाज में 7 से 8 गांव में पदयात्रा चली। इस पदयात्रा के जरिए प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा पंपलेट ग्रामीणों को बांटे गए। पंपलेट लेते समय लोगों में जोश दिखाई दिया और संदेश दिया गया कि ग्रामीण अंचल के लोग अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार से तंग आ चुके हैं और क्षेत्रीय पार्टियों में न जाकर कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा जोश गांव और देहात में देखने को मिला है और इसी के साथ पदयात्रा के जरिए कहा गया कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक संपन्न हुई है, जहां इस मासिक बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राजेश सिंह मौजूद रहे। तीनों बिल वापसी के बाद कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के राजेश सिंह का भव्य स्वागत किया। बता दें कि 22 नवंबर को लखनऊ चलने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राजेश ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। के किसानों की समस्या का समाधान चाहिए, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हमें किसी भी सरकार से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं। नहीं ना माननीय राकेश टिकैत कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना हम में से कोई चुनाव लड़ने जा रहा है और ना भारतीय किसानों की किसी तरह की राजनीतिक पचड़े में पड़ने जा रहा है। ना तो इनके सपोर्ट में हमको खड़ा होना है, ना इनका विरोध करना है और ना किसी दल के सपोर्ट समर्थन में हमें जाना है। हमारी जो पूरी संस्था संगठन हमारा अराजनैतिक महात्मा टिकैत जी के टाइम से है और आगे भी रहेगा और हम किसान की समस्या की लड़ाई हर स्तर पे जाके लड़ेंगे। उस लड़ाई के लिए माननीय राकेश टिकैत को या हम सब लोगों को जो भागे हुए महारथी हैं, किसान कार्यकर्ता है, भागे हुए कार्यकर्ता है, वो किसान की समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पे जाके लड़ाई। मिर्जापुर में आपसी विवाद में पैसे न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपने भाई भतीजे की मौके पर घाट से उतार दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया और कहा गया कि आरोपी अपने बड़े भाई के परिवार के खात्मे का प्लान बनाया था। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बात प्रकाश में आई है, ये बात पता चली कि इसके बड़े भाई को जो यहाँ पर मिर्जापुर में पोस्टमैन के पद पर था, मृतक आश्रित के रूप में उसको नौकरी मिली थी और घर के चलाने की जिम्मेदारी पूरी उसी पे थी, लेकिन इसका ये आरोप था कि उसके भाई और भाभी इसके इलाज के लिए या अन्य खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे, जिससे ये आक्रोश में रहता था। कल भी इसी बात को लेकर के बात हुई थी और उसने आकर के यह घटना कर दिया, जिसमें अपनी भाभी और अपने भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी। मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में आपसी विवाद में पैसे न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपने भाभी भतीजी की भतीजे को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है और कहा गया है कि आरोपी अपने बड़े भाई के परिवार के खात्मे का प्लान बनाया था। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया और पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन परिसर में गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर मिर्जापुर से है, जहां व्यक्ति ने परिवार वालों को उतारा है मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने कहा है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जनकत क्लान स्वास्थ्य केंद्र पर नवजात शिशु देखभाल का विशेष सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों की देखभाल को लेकर आशा एनम लगातार देखभाल महिलाओं को जागरूक कर रही है। एनम पूनम देवी ने बताया कि नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य नवजात शिशुओं की मृत्यु पर लोग लगाए जाए,
और प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु को भी रोका जाए। आपातकालीन प्रसूति की देखभाल के लिए सुविधाओं से काफी हद तक रोका जा सकता है। शिशु के जन्म लेने के बाद तुरंत और केवल स्तनपान कराने से तथा खास तौर पर टीके और से रोकी जा सकने वाली अन्य बीमारियों के टीके लगने से जीवित रहने का दर तेजी से बढ़ता है। माँ को बताना है कि बच्चे को सर्दी का मौसम चल रहा है जी, तो बच्चे को पेट से लगा के रखना है जी, क्या जी, और एक सप्ताह तक बच्चे को नहलाना नहीं है जी। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपरी कुछ भी गाय का बकरी का शहद कुछ नहीं देना है जी। बच्चे को जब हम नाल काटते हैं तो नाल काटने में क्या करते हैं गाँव के लोग, ये कड़ुआ तेल लगाते हैं। कड़ुआ तेल लगाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि जिससे कि तेल लगा देते हैं तो नाल पक जाता है जी। तो नाल ना पके इसके लिए उनसे मना करते हैं कि कड़ुआ तेल नहीं लगाना है। बच्चे को दिन में हर घंटे पर ब्रेस्टफीडिंग। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट निर्माण का कार्य अक्टूबर महीने से ही शुरू हो गया था, लेकिन तापमान न मिलने के कारण काम को रोक दिया गया था। लेकिन इस बीच कुछ हिस्सों में किए गए ढलाई के काम में सूखने के बाद दरारें आने से काम में कुछ आंशिक बदलाव किया गया। वहीं इस बीच तापमान भी औसतन सही होते ही काम फिर से शुरू कर दिया गया है और इस राफ्ट निर्माण में 9x9 फिट के दो ब्लॉक की भराई पूरा कर लिया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सितंबर महीने में मंदिर के लिए 40 फुट गहरे नींव की भराई का कार्य पूरा कर लिया गया था, तो वहीं अब राफ्ट निर्माण की प्रक्रिया भी नवंबर में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।